हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग डेल्टा फिजिक्स। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं फिर से जेई के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस देख पा रहे हो, ये एडवांस की प्रॉब्लम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये जेई की प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ निगलिजिबल मास, एक स्ट्रिंग है जिसकी मास निगलिजिबल है ना, मास गोइंग ओवर इस क्लैम्प्ड पुल्ली अप मास स्मॉल एम। बेसिकली ये जो पुल्ली है इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। सपोर्ट्स ए ब्लॉक अप कैपिटल एम मास, है ना। कैपिटल एम मास जो है इस स्ट्रिंग से लगा हुआ है और ये एक क्लैम्पर है बेसिकली। तो इसने क्या किया है, एक पुल्ली को क्लैम्प्ड किया हुआ है। तो जो पुल्ली है इसका मास कुछ दे रखा है स्मॉल एम, है ना। सो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा है कि द फोर्स ऑन द पुल्ली, इस पुल्ली पे फोर्स बता दो बाय द क्लैम्प, इस क्लैम्प के द्वारा इस पुल्ली पे कितना फोर्स लगेगा, है ना। सो सी, इसने ये कह रहा है कि इस पुल्ली पे आप क्या करो, फोर्स बता दो किसके द्वारा, क्लैम्पर है इसके द्वारा। सो क्लैम्पर के द्वारा इस पर लगा हुआ फोर्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि, है ना, हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, है ना। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना मैं किसी बॉडी पे मैं जितना फोर्स लगाता हूँ, वो बॉडी हम पे उतना ही फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। सो कहने का मतलब ये कि अगर हमें निकालना है इसके द्वारा इस पर, तो क्यों ना मैं इसके द्वारा इस पर लगा हुआ फोर्स निकाल दूँ, है ना। सो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड में हम बता देंगे हाँ भाई ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेंशन टी लगेगा और ये कैपिटल एम जी है, तो यहाँ पे एम जी लगेगा, है ना। अच्छा, ये जो है ये मेरा जो पुल्ली है, तो पुल्ली का भी अलग से क्या लगेगा, वेट एम जी, क्योंकि ये तो मासलेस है नहीं, है ना। अच्छा, ये टेंशन टी है तो भाई ये सेम स्ट्रिंग है ना, तो इसमें भी क्या लगेगा, टेंशन टी, पक्की बात, है ना। ठीक है, ये भी क्या लगेगा, टेंशन टी लगेगा। ठीक है, सो मैं देख पा रहा हूँ कि तो नेट नेट जो है, जो नेट पुल्ली पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पुल्ली पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, अब मैं इसको इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो एम प्लस एम इंटू जी, है ना, जो नेट पुल्ली पे फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ डायरेक्शन में। तो इधर की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, अरे इधर की डायरेक्शन में तो सिर्फ टी लग रहा था, उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल एम जी, है ना। तो भाई मैंने ऐसा देखा, मैंने बेसिकली ऐसा पढ़ा है कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, है ना। अगर ये लेट्स सी, ये वेक्टर बी है, है ना, ये वेक्टर क्या है, बी है, इसके एंगल के बीच का एंगल क्या है, थीटा। सो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, ये रिजल्टेंट आर कितना होता है, ये बी है और ये रिजल्टेंट होगा, है ना, ये क्या है, बी है और ये रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट कितना होता है बता दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये मेरा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। आई होप आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें, है ना। सो मैंने ये देखा, अच्छा तो मेरा ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ये जो लगेगा इधर की तरफ, ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। तो बेसिकली पुल्ली के द्वारा क्लैम्प पे जो लगने वाला फोर्स है, है ना, वो कितना हो जाएगा बता दो आप। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये टी स्क्वायर बोले तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ये एम प्लस एम का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो एफ आर इज इक्वल टू जी बाहर निकल आएगा तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, है ना। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये बेसिकली क्या, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, सो पुल्ली के द्वारा इस पर फोर्स लग रहा है, सो ये इक्वल अपोजिट हो जाएगा। सो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा तो ये सेम आंसर होगा, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होगा गाइज, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।